so time. I'll be lost, I'll be found. I'm alone, I'm breaking these walls down. If you want. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। गाइस बिल्कुल अभी सो के उठा हूं, रात इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी ना कि फर्स्ट टाइम होता है ना किसी चीज में बैठने का, जैसा कि फ्लाइट में बैठने का आज तक कभी बैठे नहीं है, तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार कैसा लगेगा, कितना मजा आएगा। तो बिल्कुल बहुत रात लेट भी सोया था, तो देखो अभी करीब 3:45 हो रहे हैं। इसमें मिरर इमेज दिख रही होगी आपको, तो टाइम दिख नहीं रहा होगा। ठीक आपको मैं दिखाता हूँ उल्टा करके, देखो यार 4 बजने वाले हैं, 4 बजने में सिर्फ 16 मिनट बाकी है। तो है गाइस, तो मैं आपको अभी फ्लाइट है 6:25 पर और अभी 3:46 हो रहे हैं, तो आपको मैं जो भी रास्ते में सारी चीज़ें होंगी मैं आपको दिखाऊंगा, एयरपोर्ट में क्या हुआ और प्लेन में क्यों होगी। फर्स्ट टाइम आज तक ये बैठे नहीं यार, एयरपोर्ट हमेशा दूर से देखा है, जैसे किसी को रिलेटिव को छोड़ने चले गए, आज खुद प्लेन के अंदर बैठेंगे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है यार। इतनी खुशी मुझे आज तक। देखते हैं क्या होता है, अभी तो पापा नहाने के लिए गए, इनके बाद मैं जाऊँगा और फिर उसके बाद हम तैयार होकर जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अभी तैयार होने के बाद, ठीक है बाय। तो गाइज हम तैयारी हो गई है हमारी, और बस पापा ने अभी कैब बुक की है नीचे, वो आ चुके हैं अंकल, तो बस अभी निकल रहे हैं अभी, और एयरपोर्ट के लिए तो जल्दी निकलना ही पड़ता है वैसे भी, थोड़ा तो पैकिंग पैकिंग वगैरह हो चुकी है, तो निकलते हैं रास्ते में मिलते हैं बाय। गाइज निकल चुके हैं, बस ये कमरे को चेकआउट कर रहे हैं बस हम, चलो। गेट बंद कर जाता हूँ, पापा कह रहे लेट हो जाएगा, लेकिन यार एक्साइटमेंट इतनी हो रही है इसकी, मतलब फर्स्ट टाइम यार प्लेन में बैठ रहे हैं, एक्साइटमेंट तो बनती है ना। तो गेट खुल रह गया था बंद, तो उसको बंद करने के लिए आया हूँ। तो गाइस बस चल रहे हैं यार, लाइट बंद हो गई। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया आ गया। अरे गाइस गेट बंद हो चुका है, ठीक है मैं आपको कैब में बैठकर आगे मिलता हूँ बाय। जो लिफ्ट है वो ख़राब है, आपकी पता नहीं क्या हुआ, चल तो रही है, तो सीढ़ियों से जाना पड़ेगा, चलो सीढ़ियों से चलते हैं। बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है, स्टॉप स्टॉप। रहा चेकआउट कर रहे हैं बस यहाँ पर, ये देखिए आ गए ना अंकल शायद। सो गाइस दिस इज द आउटफिट फॉर टुडे, और आप सोच रहे होंगे कि यार इतना काला सब कुछ ब्लर क्यों आ रहा है, यार रात हो रही है सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो ठीक से वीडियो बन भी नहीं पा रही है। ये देखो सब निकल रहे हैं इधर, ये देखो हॉस्टल के बाहर का एरिया है, ये होटल गोयल, ये सिंधी कैंप पे हनुमान नगर एक्सटेंशन पर, सिंधी कैंप के पास ये यहाँ पर होटल है ये वाला, और ये रहा देखो सब अपने अपने घर जा रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर सब रुके हुए थे ना बच्चे एग्ज़ाम वाले। देखो गाइस देखो अभी कैब वाले भैया को फ़ोन तो किया है, वो आ रहे हैं बस, वो तो खुद फ़ोन आ गया था अभी, देखो आए तो है नहीं अभी तक। देखो आप सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं और सबके पेरेंट्स आए हुए हैं, सुबह भी यहाँ पर ऐसे ही रहता माहौल यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर बस स्टैंड है ना तो यहाँ पर ऐसी भीड़ रहती है यहाँ पर, और दिन में तो शाम के टाइम तो भाई साहब बहुत ज़्यादा रहते हैं। कैब वाले भैया आ चुके हैं, हम कैब के अंदर बैठ रहे हैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, तो ठीक है आपको मिलते ही रहे।
चलो चला के बैठ जा, आगे बैठ जाता हूँ ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो भैया, चलो गाइस, हम कैब के अंदर बैठ चुके हैं और ये रहे कैब वाले भैया। कोई फिर गेट खुला हुआ है, कोई फिर ये वाला खुला हुआ, बंद करो सही। गेट बंद करता हूँ ठीक से, हो चुका है। तो गाइस चल चुके हैं। जब भी अब मतलब आप कहीं ऐसे बाहर आएँ, ये फर्स्ट टाइम मतलब इस तरीके से जाना हो, तो पहले सबसे पहले कैब के अंदर अपनी सीट बेल्ट लगाएं, अगर सीट आगे वाली सीट पर बैठे हो तो। कल फ्रॉड हो चुका है, फ्रॉड नहीं मतलब गलती हमारी थी, लगानी रखी थी तो कैब वाले भैया को पैसे देने पड़े पूरे, मतलब लाइसेंस की वजह, लाइसेंस मांगने लगी थी पुलिस, फिर वही दिक्कत होने वाली थी। तो आप कभी भी बैठें सबसे पहले सीट बेल्ट लगाएं। तो ये सफ़र शुरू हो गया। पापा को ही क्रेडिट जाता है, और कौन बैठा सकता है इस उम्र में यार। हाँ गाइस, तो अभी कैब वाले भैया थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं कि हमें पता नहीं है यहाँ पर, बताना भैया जरा। विधान सभा सामने। हाँ सामने, अच्छा काफ़ी फेमस जगह है वो, सचिवालय मतलब ये एरिया। अच्छा सचिवालय, अच्छा तो गवर्नमेंट ऑफिशल्स रहते होंगे ज़्यादातर यहाँ पर। सामने विधानसभा। अच्छा 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 तो गाइस कहते हैं ना कि राजस्थान को, राजस्थान बोल रहा हूँ, जयपुर को पिंक सिटी क्यों कहते हैं? पिंक सिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है तो सब कुछ अच्छा पिंक है, सब सारी बिल्डिंग्स पिंक है। कहते हैं कि यहाँ पर सारी बिल्डिंग पिंक्स रहती जनरली ज्यादातर, तो लोगों ने अब तो पिंक कलर ज्यादा है यहाँ पर, तो लोगों ने इसको पिंक सिटी नाम दे दिया। बात तो सही है। Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the frost in my head getting stuck to the race. Guys, देखो skating कर रहे हैं बच्चे सुबह सुबह, तुम सोते रहते हो इस वक्त, बच्चे मेहनत कर रहे हैं। देखो ये देखो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। I've been lost, I've been found in the broken, a way out in the crowd feeling open, find somebody in my life that can make it for that one's just me times two. तो गाइस हम वी हैव रीच्ड द एयरपोर्ट, ये देखिए आप इधर ही रहा। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं, देखिए ये रहा, काफी खूबसूरत है देखो, माशाल्लाह। वैसे सब अपने अपनी काफ़ी लोग हैं जो अपना जा रहे हैं सुबह ही सुबह, तो थोड़ा यहाँ पर लाइट है तो आपको थोड़ी वीडियो साफ दिखेगी। ठीक है भैया, पहुँच चुके हैं। ठीक है गाइस, तो अभी मिलते हैं, उतरते हैं। गाइस फाइनली हम पहुँच चुके हैं, उतर चुके हैं, और भैया को बस कैब के पैसे देने। भैया का मैंने सब्सक्राइबर भी बढ़वा लिया, क्या भैया आप वीडियो में आओगे तो आप सब्सक्राइब कर लें। ठीक है भैया, आप मिलकर बहुत अच्छे लगा आपसे, है ना, देखना आप वीडियो में। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बाय। चलो पैसे दे रहा हूँ, अभी पापा पैसे दे रहे हैं कैब वाले भैया को। अभी ज़िंदगी में मतलब देखो, आप जब भी एयरपोर्ट पाएंगे तो दो टाइप की फीलिंग होती है, एक तो वो वाली
कि आप किसी को छोड़ने के लिए आए हैं कि यार वो कहीं जा रहा है, जैसे कि कोई अमेरिका, कोई सऊदी अरेबिया, इस तरीके से। पर दूसरी फीलिंग होती आप खुद कहीं जा रहे हो। तो ये फर्स्ट वाली तो काफ़ी होते ना छोड़ने के लिए जाते, तो फर्स्ट वाली तो काफ़ी बार की है कि किसी को छोड़ने के लिए गए, लेकिन खुद पहली बार प्लेन में बैठेंगे वो फीलिंग आ जा रही है, तो ये फीलिंग अलग ही होती, नेक्स्ट लेवल होती है। तो देखते हैं यार कैसा एक्सपीरियंस। रहता है यहाँ पर हम भी, हमारी एंट्री होने वाली है, देखिए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मेरा तो फर्स्ट टाइम जयपुर आना हुआ, मैं जब बहुत छोटा था ना, करीब हाँ मैं 2012 या 10 में आया था शायद यहाँ पर। मेरे दादा थे, उनका यहाँ पर इलाज हो रहा था, तो उस वक्त मैं दादा के साथ आया, तब इतना कुछ पता भी नहीं था। तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर, काफ़ी टाइम बाद आकर। काफ़ी बढ़िया एयरपोर्ट है यार, देखो आप, वो वेरिफिकेशन हो रहा है वहाँ पर। हमारी एंट्री अंदर हो चुकी वेरिफिकेशन के बाद। I'm alone, I'm a broken home. I gave you all the bricks that I own and know. I'm late. Thank you. Namaskar, kripya dhyan dijiye. Name page call. Shriman Vikram Yadav, Shriman Ramesh Kumar, Shriman Raviraj Sharma. So finally guys, boarding pass kuch clear karna hota hai yahan par, wo cheez ho chuki hai. Wo download karne pade the abhi SpiceJet ki website par jakar. तो अभी हमारी बोर्डिंग होगी ना, एंट्री होने वाली है, गेट, बस अभी गेट नंबर पूछना है, फिर हम जाते हैं वहाँ पर गेट की तरफ। ठीक है भैया, गेट नंबर क्या था? कहाँ गए? दिल्ली वन वन। तो गाइस जयपुर से दिल्ली जाने के लिए गेट नंबर 1 पर जाना पड़ेगा हमें, और बैग वगैरह रख दिए हैं वहाँ पर, सारे आ चुके हैं, तो गेट नंबर 1 पर जाते हैं। ठीक है, आपको मैं मिलता हूँ, बार और चेकिंग हो रही है यहाँ पर, अंकल चेक कर रहे हैं कुछ। देखिए अलग ही वाइब आती है एयरपोर्ट पर भी। तो क्या है कि बेल्ट, अगर आप बेल्ट भी पहन कर आएंगे ना, तो वो भी यहाँ पर उतरवा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखो, आप दिखाता हूँ आपको, बेल्ट भी उतार रहे हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो गाइस यहाँ पर ये कॉफ़ी वगैरह कॉफ़ी पी सकते हैं आप यहाँ पर, और थोड़ा सा लाइटली, अब सुबह सुबह का टाइम है ना, तो कॉफ़ी चाय वगैरह है यहाँ पे। सुबह का टाइम है यार, और सुबह सुबह निकले, सुबह तो आपको पति नाश्ता करना होता है, तो कॉफ़ी वगैरह के लिए जा रहे हैं, कॉफ़ी लेते हैं ज़रा भी, तो कॉफ़ी पीकर थोड़ा माइंड फ्रेश होगा। तो अभी कॉफ़ी शॉप पर आए, ये यहीं पर होती हैं कॉफ़ी शॉप वगैरह, तो आप यहाँ पर लाइट नाश्ता कर सकते हैं, आप कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, है ना, तो बढ़िया होता। देखो अभी कॉफ़ी लेते हैं और पीते हैं उसको बढ़िया से, और फिर बस में बैठ के एयरप्लेन तक जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने कौन सी ली, कैपेचिनो ली है ना हमने। तो गाइस आज तक हमने तो सुना ही था कि कैपेचिनो होती है, आज फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम फ्लाइट है और फर्स्ट टाइम कैपेचिनो कॉफ़ी है। ये देखिए भैया बना रहे हैं, guys I tried the cappuccino coffee for the very first time, it was good, but it is good, achhe the, aur dekho aaj cappuccino first time try kiya, aur flight bhi first time travel kar raha hu, to aaj sab first ho raha, aur kehte bhi nahi ki har cheez ka first time to hota hi hai yaar, kya badhiya tha guru, hai na। to abhi hum SpiceJet ki yahan par bus aati hai, wo hume plane tak leke jayegi, to ab आपको अब मैं बस से बताऊंगा, दिखाऊंगा सारी चीज़ें। गाइस ये रहा देखो, हम बस के अंदर बैठ चुके हैं और हमें ये फ्लाइट तक लेके जाएगी, देखो सारे पैसेंजर बैठे हैं, क्या हुआ देखो।
ये एयरपोर्ट है पूरा, देखो आप, अभी हम उस साइड थे उधर, और अभी बस हम यहाँ यहाँ लेकर आ गई है, ये देखो। I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure then... आज तक फोटो है या वीडियोस में देखा था, लाइव डायरेक्ट पहली बार देखा इतनी पास। चलो चलते हैं। तो गाइस हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट पे, ये देखो ये खड़ा स्पाइस जेट, ये खड़ा है। अभी इसके अंदर हमारी एंट्री होगी, तो वो पापा रहे। दिखा दो कितना बढ़िया होता है यार एयरपोर्ट में, तो पहली बार आया हूँ। देखो भैया बुला रहे हैं, नहीं गाइस गाइस फ्लाइट चल चुकी है, बस अब टेक ऑफ करने वाले हैं। इसके व्हील निकल चुके हैं, इसका मतलब लैंड करने वाले हैं। लैंड करता है वो, और इसको ठीक कराता है। पर से तो बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन बहुत बड़े टायर होते हैं। गाइस देखो कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं घर, नीचे से इतनी बड़ी बिल्डिंग लगती है। और यहाँ पर देखो ये नदी, यहाँ पर रिवर जा रही है एक। We are going to land and we are landing.
मन को हाथ न लगाएं और आपस में दूरी बनाए रखने के लिए डेटा कोच मेमोरी मार्किंग्स को फॉलो करें। अपना बोर्डिंग पास सुरक्षा जांच के लिए तैयार रखें और अपने मास्क ग्लव्स इत्यादि एयरपोर्ट से निकलने तक पहने रखें। धन्यवाद। और पैसेंजर आर रिक्वेस्टेड टू डिप्लेन फ्रॉम द फॉरवर्ड और वेट टचिंग एनी सब पैसेंजर कैबिन एंड फॉलो द मार्किंग्स ऑन द लैंड एंड कोच टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। बस हो गई लैंडिंग, हम प्लेन से उतर रहे हैं। लिटरली इट वाज सुपर एक्सपीरियंस यार, मजा आ गया। ये प्लेन था होता है ना, आपने देखा होगा GTA San Andreas के अंदर इस तरीके से ट्रॉली घूमती रहती है, और देखो रियल में ऐसे दिखती है। और ये रही बस, इसमें एंडम एंटर करना है, बैग कलेक्ट करना है। I'm confused. Internet's gone low, so time is full. Making love with you, so I'ma sit and just lay in my bed with the fries in my head, getting stuck to the race with you. Fall asleep and cruise, no. Flipgrid.com for lowest bids and amazing deals. Agar yakin nahi to khud check kariye. Use code EF. I'll be lost, I'll be found in the broken. Way out in the crowd, feeling open. Find somebody in my life that can make it for. That one's just me, Tom. So. दिल्ली एयरपोर्ट आ चुके हैं और ये रहा, ये देखो बहुत बढ़िया रहा यार सफर, अल्लाह का शुक्र है। तो है गाइस, वी हैव फाइनली रीच्ड दिल्ली और यानी सुपर्ब एक्सपीरियंस यार, बहुत मज़ा आया। और पता मैं बताऊँ आपको कि दिल्ली जयपुर से जो दिल्ली तक का सफ़र होता करीब 250 किलोमीटर है, उसको ट्रैवल करेंगे ना बस से तो करीब 3-3.5 घंटे लगते हैं, और फ्लाइट ने सिर्फ 40 मिनट लगे और उससे भी कम में पहुंचा दिया। बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं भी दुआ करता हूँ इंशाल्लाह आप जो देख रहे हैं आप भी जल्द से जल्द कभी ना कभी प्लेन में बैठो, बहुत मज़ा आता है। तो अच्छा रहा सफ़र, लिटरली इट वॉज़ ए सुपर्ब एक्सपीरियंस फॉर मी। और पापा के साथ तो और ज़्यादा मज़ा आया यार, पापा ने मदद की है व्लॉग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा, तो उनको भी बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। तो बस अभी बैग आने वाला है यहाँ पर, बाय, अभी मिलते हैं बाहर, बाय। और गाइस मैं बताऊँ आपको क्या कहते हैं कि एक दिन मैं ऐसे एक वीडियो देख रहा था तो बहुत मन करने लगा कि यार काश मैं भी ऐसे प्लेन में बैठता, बहुत मन होता है ना। तो मैंने मन में मन अंदर से कहा था ये अल्लाह मुझे भी बैठना है ऐसे फ्लाइट में। तो देखो मेरे अल्लाह ने मुझे फ्लाइट में बैठा दिया। तो जो भी आपका मन करता है ना इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी आपकी विश, आप मेहनत करते रहें और उस चीज़ को फोकस करें और ट्राई करें कि वो मिल जाए आपको। देखो मुझे तो बहुत अच्छा लगा मिलकर बैठकर, और मैं भी दिल से चाहता हूँ इंशाल्लाह जो भी चाहता है पहले में बैठना वो भी बैठे और एक्सपीरियंस करें नई चीज़ें। जैसे मैं एक्सप्लोर करता, मुझे बहुत मज़ा आता है एक्सप्लोर करने में, एडवेंचर करने में, है ना। तो आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा तो बहुत बढ़िया सफ़र रहा, अभी देखते हैं। थैंक यू, आगे मिलते हैं, बाय। गाइस आप सोच रहे होंगे कि ये जयपुर से दिल्ली क्यों जा रहा है, फ्लाइट पे क्यों बैठा। तो मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरा जो है ना नीट का एग्ज़ाम था और उसका सेंटर जयपुर गया था। अब हुआ क्या, पापा वहीं मिले मुझे, तो वहाँ से घर जल्दी जाना था तो हमने क्या किया फ्लाइट में कर लिया, और फर्स्ट टाइम बैठा भी नहीं था तो पापा ने बैठा दिया यार। तो रही बात एग्ज़ाम की, कैसा गया, इट वेंट क्वाइट वेल, तुम्हारे भाई ने अपना बेस्ट दिया है, बाकी जब जो रिज़ल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और गाइस कहते हैं ना कि आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता कि आप लूजर हो या नहीं, आपकी कोशिश डिसाइड की है करती है। और रिजल्ट डिसाइड नहीं करता तो लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। तो तुम्हारे भाई ने तो कि यार अब जो रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करूंगा और इंशाल्लाह वो फिर आगे बढ़े, है ना। और यही जिंदगी का हिस्सा है यार कि एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो, है ना। और क्या यार गाइस, पता है लास्ट टाइम मैं एयरपोर्ट कब आया था, मेरे चाचा हैं, है ना,
देखो चाचा इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और साथ में चाची भी होंगी और अलीजू भी होगी, उनकी बच्ची है छोटी, बहुत प्यारी है। तो बहुत पहले तो मैं बोल दूँ दोनों को हेलो, आप तब आए थे ना, तब मैं आखिरी बार एयरपोर्ट पर गया था और मैं खुद ट्रैवल कर कर आ रहा हूँ उसमें, तो बहुत मज़ा आया। वहाँ पर पुलिस अंकल ने रोक भी लिया था यार कि यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर नहीं बना सकते तुम लोग, तो वहाँ पर उन्होंने बोला कि डिलीट करना पड़ेगा, भाई इतनी मेहनत से बनाया तो डिलीट थोड़ी करेंगे यार। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल सॉरी यार, थोड़ा इशू हो गया था, तो मैंने काफ़ी सॉरी बोला कि मेरी गलती है ना, मैं आगे से ध्यान रखूँ। अंकल ने कह दिया चलो कोई नहीं, छोड़ दिया फिर, है ना, बच गया अपना व्लॉग, वरना डिलीट हो गया था, आपको दिखा नहीं पाता मैं ही, है ना। देखो अब हम क्या करने वाले हैं, हम मेट्रो लेने वाले हैं। अब मेट्रो से हम जाएंगे आनंद विहार, फिर वहाँ से बस से फिर मैं अपना घर की तरफ जाऊँगा, जोया अमरोहा के पास है, डिस्ट्रिक्ट अमरोहा यूपी में, है ना। तो मेट्रो आखिरी पार्ट है। अब क्या हुआ कि हम जयपुर से दिल्ली आए और दिल्ली से फिर मेट्रो लिए। अब मेट्रो से ये है कि पापा को जाना है दूसरी साइड और मुझे जाना है घर, तो पापा और मैं यहाँ मतलब वो अलग बस से जाएंगे और मैं अलग से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर, आपसे को सब दी चीज़ें दिखा कर इस तरीके से, और बहुत बढ़िया हुआ यार, है ना। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा यार, है ना। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और यार मैं एक्सप्लोर करते रहता हूँ इस तरीके से, तो अगर मैं कभी बनाऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो आप ठीक है, ज़िंदगी में यार बहुत मज़ा आता है, एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। मैंने व्लॉग इसलिए बनाया था आपको, आप भी इसको फील कर सकें, देख सकें एक बार, है ना। तो मैं इस व्लॉग को यार यहीं एंड करता हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड तक बने रहने के लिए।